जॉन, कम ऑन जॉन, कम ऑन। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ वो है जॉन विक। ये 2014 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिनके डायरेक्टर हैं चैड स्टेल्सकी और डेविड लीच। ये इसके जो मरकजी किरदार अदा किया है वो है कियाना रीव्स। इस फिल्म की कामयाबी यानी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी, उसकी नतीजे में पूरी इन्होंने फिल्म सीरीज बनाई। इनकी 4 मूवीज आ चुकी हैं और ये आप मूवी देखें और हमें अपनी राय का इजहार करें कि ये आपको कैसी लगी। कियानो रीव्स की दूसरी फिल्म मैट्रिक्स के बाद जॉन विक, तो मैं बड़ा जो है ना उतावला हो रहा हूँ उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि वो मैट्रिक्स में भी जो लड़ाई होती थी और बहुत मतलब उसकी अदाकारी मुझे पसंद आई थी न्यू की। तो अब देखें ये क्या है इसमें मामला जॉन विक में, तो हम आपको बताएंगे। वो थी पुरानी मूवी थी, वो अपने दौर की मतलब हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 2014 की मूवी है तो 2014 की मूवी के हिसाब से तो ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, और कियानो रीव्स जो है वो उसका नया रूप नज़र आएगा हमें। बड़ा जख्मी है यार मंसूर, ज्यादा खून निकल रहा है इसका। सुबह के 6 बज रहे हैं। ये नवीद ये द मैट्रिक्स वाला लग रहा है मेरे को। वही है। किसी का देहांत हो गया है। उन्हें तो पता नहीं है। जॉन विक? यस। साइन हियर प्लीज। लेटर आया शायद कोई। योर बेस्ट फ्रेंड हेलेन। अच्छा इसकी बेगम थी मंसूर जी ने लेटर भेजा है। हेलेन। कुत्ता भी भेजा है। बहुत प्यारा कुत्ता है यार। आखिरी निशानी है इसकी बीवी की। उठ गया उठ गया। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं यार। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है और कुत्ते भी। है ना? कुछ अच्छा खिलाओ इसको। अकेली जिंदगी गुजार रहा हूँ तू। Nice ride. How much? She's not for sale. Oh, I love dogs. Лучше бы сука я твоя цена. А у этой сука нет. Каково себе держит? अच्छा भाई बेचना नहीं है तो नहीं बेचना है, बस मर्जी है किसी की। उससे पहले ही उड़ जाता है यार। You need to go. उड़ी। अबे नहीं, कुत्ते को क्यों मारा? गलत किया, बहुत गलत किया। स्पीच पक्का है ना? जॉन विक, कुत्ता भी मर गया बेचारे का, बीवी भी मर गई, गाड़ी भी ले गए यार। उसको सब कुछ याद आ रहा है, पुरानी बातें याद आ रही हैं इसको। बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है अभी मंसूर, गुस्से में लग रहा है बहुत। क्या कर रहा है? I want a new VIN number and some clean papers. अच्छा 2 कार है मंसूर के पास। तो शर्ट तो बदली कर लेता, खून लगा हुआ है ना। वो आए थे यहाँ पे। It was. Joseph Tarasov nicked it. Vigo, son. The owner of the car. Did you kill him or what? No. He sure as fucked up his dog. That's crazy shit, man. हाँ, तुमने कुत्ते को मार के गलती कर दी। I need a ride.
speaking. I heard you struck my son. तुम्हारे बेटे की गलती है। John Wick's car, sir, and killed his dog. Oh. गलती की है, समझ गया इसका बाप भी। हाँ। They've agreed to your terms. Miss Aki gave much of a choice anyway, though, right? Sir. ये परेशान लग रहा है मंसूर। Have you seen my son? कहाँ है वो? डरा हुआ ये अपने बेटे को लेके। That's a nice jacket. Thanks. Yeah. उई। शराब पिलाई, फिर उसके बाद बुक्का मारा पेट में, फिर उसने उल्टी कर ली। Should I go? Yeah. So I stole the car. उई। Viggo, right? You stay. लेकिन तुमने कुत्ते को क्यों मारा ये बताओ? कार को छोड़ो। गलती तो गलती होती है। It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to. The f- nobody. That nobody. John Wick के बेटा वो। अच्छा ये उसके पास काम करता था पहले। ये उसको अच्छे से जानता है ना John Wick, ताकतवर है इस वजह से। ऐसा ही थोड़ी ना John Wick से डर रहे हैं लोग, कुछ तो बात है उसमें। We call him Baba Yaga, the boogeyman. John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. Oh, boogeyman! John is a man of focus. Commit. Oh, yeah. Sheer will. Something you know very little about. I once saw him kill three men in a bar. The bouncer. Oh. Suddenly one day, he asked to leave. I gave him an impossible task. Mansoor, ye John Wick baaki ka bada banda cheez hai yaar ye. The bodies he buried that day laid a foundation of what we are now. चीज था पहले, पता है क्या, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा था, अभी ये फिर से जो है ना उजागर हो गया। तुमने अभी इसका पुराना John Wick जगा दिया। Father, I can make this right. How do you plan that? By finishing what I started. What the? I didn't hear a word I said. कुछ नहीं होना, अब तो वो बिगड़ा हुआ है। Yosef, we send. John will come for you. अबे क्या निकाल रहा है ये मंसूर, ये अंदर से जमीन से। Because you can do nothing. So get out of my sight. सब कुछ समझ गया इसका बाप। क्या करेगा नवी दिए अभी बाबा। हेलो जॉन, आई हर्ड अबाउट योर वाइफ, आई एम सॉरी, माय कंडोलेंसेस जॉन। लेट अस नॉट रिसोर्ट टू आवर बेसर इंस्टिंक्ट्स एंड हैंडल दिस लाइक सिविलाइज्ड मैन टू मूव ऑन। नहीं सुनने वाला अभी, नहीं अभी वो मौजिब नहीं है, अब वो पुराना वाला John Wick हो गया। व्हाट ही सेड एनफ टास्क क्रू, हाउ मेनी डू यू हैव? जितने भी लोग हैं ना काम पे लगा दो। इसके जिस्म पे क्या आया डिजाइन लगे बना हुए? लोग आए तो लेने के वास्ते। हाँ, उसको मारने के लिए तो नहीं आया मंसूर, गन वन है इनके पास, फायरिंग होगी अब तो, लड़ाई होगी लगता है मुझे। John Wick के बाद भी जदीद असला है मंसूर, देखा तुमने? बाबा योगा, बोगी मैन, बाबा योगा। किसी को ना कैसा फुर्तीला है यार नवीद, कैसे मार रहे लोगों को देख। तो फौरन फौरन मार रहे, तो ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी फौज में था पहले। ओए होए होए मंसूर, John Wick गया ये तो यार। बेहतरीन यार, बड़ी बात है यार। Stop!
थोड़ी देर में कितने लोगों को मार दिया इसने। कौन आया? कोई आया? अरे एम्बुलेंस तो नहीं आई है? लाइटें जल रही है ना इस तरह। इवनिंग जॉन। पुलिस। हाँ। नॉइस कंप्लेंट। Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff. Police wale ko pata hai iske bare mein? Let me be then. Good night, John. Achha, good night, achha. Jimmy. Ek dusre ko jante hain ye police aur ye na? John Wick. The Matrix mein unse ladai wali thi na? Haan. Wo bhi zabardast movie thi iski na? Riano Quis ki. Iske upar yahi jo hai na movie achhi lagti hai is tarah ki na? लड़ाई झगड़े वाली, क्योंकि खूबसूरत भी है और प्यारा भी है ना, लड़ाई वड़ाई भी अच्छी करता है। अच्छा तो ये अपनी खिदमत दे रहे हैं सफाई सुथराई वाली। सही बंदा है जॉन विक। क्या बात, ठिकाने लगा रहे लोगों को मारने के बाद। Put a contract on John Wick. How much? $2 million. Put Yusuf in the red circle and wait. For John Wick, of course. हाँ, उसी से तो खतरा है, और किससे खतरा है? मंसूर दो 20 लाख डॉलर जो है ना उसके ना बोल रहे हैं कि देंगे कोई ऐसा बंदा दो सुपारी उसकी। बड़े पैसे हैं यार। To what do I owe this visit? I want to offer you this face to face. Would you kill John Wick for $2 million? हाँ। Consider it done. अरे धोखा दे रहे हैं मंसूर। I know I can trust you. इसका दोस्त बोल रहा है मैं उसको मार दूंगा पैसों के लिए, जॉन विक को। ये जॉन विक का दोस्त है? हाँ ना, वो जो नहीं शुरू शुरू में आया था उसके साथ बीवी की। हाँ। 980. Do enjoy your stay. Thanks. Good seeing you again, John. Perkins. अपने घर में नहीं रह रहा क्या मंसूर? ये आया रेस्टोरेंट में, क्या है होटल है? होटल पे रहने के लिए। And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. John Wick. Party night club में आया है पता नहीं क्या मंसूर। Hello, Winston. Winston. Jonathan. Weren't you the one tasked to dole out the beatings not received? अच्छा. Have you returned to the fold? Just listening. You thought this through. Where do I find him? पता है क्या उसके बारे में? पता नहीं। लड़के के बारे में पूछ रहे हैं ना? Have a drink. Vigo का बेटा। I've never seen you like this. Like what? Vulnerable. मतलब मुख्तलिफ हो गया हमसे पहले से ही। आए 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 आए, फुल तैयारी कर रहा है ये तो। इधर भी इधर भी इधर भी। हाँ सर, ओ हो चाकू भी। ओ देख कैसे अयाशियां कर रहे हैं, देख तो। फुल एंजॉयमेंट चल रही है। अब इसकी भी जो है ना जान खतरे में, लड़के की। I'm not. No. But you should be. क्या मतलब, ये डरता नहीं है क्या बोगी मैन से? हर कोई डरा हुआ है। हेलो, आ गया नवीद, आ गया मिस्टर विक। ते पुहु दियो मिस्टर विक किलोग्राम दा अ पीची लैंड। वाह, आर यू हियर ऑन बिजनेस सर? वेट सो फ्रांसिस, वांट यू टेक द नाइट ऑफ? थैंक यू सर। तो लड़ाई होगी टाइट वाली मंसूर। अब ये उसका दोस्त है ना? हाँ। अंदर घुस गया है अंदर। You mother. हाँ। हाँ, इन्होंने कार चुराई थी ना उनसे, उसकी कुत्ते को भी मारा था, यही था, टीम का हिस्सा था ये। तुम उसकी गाड़ी खरीदना चाहते थे ना, अब तुम्हें बताएगा वो कि गाड़ी कैसे खरीदी जाए। मंसूर इतनी सिक्योरिटी में भी देख कैसे लोगों को मार रहा है ना, बड़ी बात है। हाँ मंसूर, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी। आए हाय हाय, बड़ा यार शातिर है।
ones, yes. हाँ ये बैठा हुआ है कर अबायाशी कर मार दे किसका इंतजार कर रहा है क्या हो ये थोड़ा सा वो लग रहा है मेरे को ढीला ओए होए बिल्डर है यार मंसूर ये तो अरे नंगा है मंसूर इसका ये खुल जाए अगर तोलिया मंसूर अरे जालिम एक कुत्ते की वजह से इतने लोगों को मार रहा था एक मंसूर मतलब कुत्ता जो है ना वो खास था आम नहीं था वो ये तो यार क्या तो दिमाग पाया है तूने ओए होए मुंह पे इतना खून खराब हो रहा है नवीद कितनी फायरिंग कर रहा है यार हर बुलेट को जो है ना मुंह पे मार रहा है ओए ओए होए होए अबे बेटा कहाँ भाग रहे Victor's dead. अब तेरी बारी है बेटा कहाँ जाएगा बच के ये लड़ाई की शुरुआत ही तुमने की है अब भाग रहे हो कब तक भागोगे कितने लोगों को मार दिया इसने 50-60 लोगों को मार दिया अब तक आराम से मूवी कैसी खतरनाक मूवी यार नवीद अरे इसका दोस्त इसको मार देगा मंसूर ओए बच गया उड़ लड़की भी आ गई अबे जॉन को दो दो लोग मार रहे हैं कहाँ जाए बेचारा दोनों को पैसों की जरूरत है अरे लड़की मुकाबला कर रही है देख तो चिपक कैसे रही है कम नहीं है ये भी जख्म पे मार रही है यार ओबे लड़की को मारा Little Rush Church near Cannon Court Thank you बेहोश कर दिया उसको चर्च में माल छुपा कर रखा है मंसूर सब बता दिया इसने I'm thinking so Hey John Hey Harry Keen on earning a coin Babysitting a sleeping one Catch and release. हाँ छोड़ो पकड़ो छोड़ो ए जॉन को हर कोई जानता है मंसूर पापी है ना पुराना पहुंच गया उस्ताद चर्च में आ गया अब तो ये यार सारे पाप के काम चर्च में क्यों करते हैं मंसूर पता नहीं हम आते हेल्प बड़ी फादर को अबे अबे ये सारी मंसूर वो थे इसके टीम के बंदे थे वीगो के वीगो के बंदे ये डॉलर Honestly, what do you think you're going to do with all of that? This. अबे धमाका जला रहा है जला दिया उस्ताद पैसों की लालच ही नहीं है उसको आग लगा दी आग लगा दी पैसों की लालच ही नहीं है उसको सिर्फ बदला लेना है उसको Treat all your ladies like this? You are no lady. Trust me. क्या कर रही है ये कुछ खोल रही है Is it? अबे हैरी भी गया आ गया आ गया मशीन गन देख फायरिंग देख मंसूर जॉन कम ऑन जॉन कम ऑन कुछ लोग रशियन भी हैं कुछ लोग अमेरिकन भी हैं
कैसे मार कैसे रहा है ना यार इसकी जो ये मंसूर उसको बंदी बना लिया आप उसको गिरफ्तार कर लिया अब ये जॉन को खत्म कर देगा इधर नवीद यार गुस्सा तो है इसको क्योंकि इसको अपने बेटे को बचाना है People don't change. You know that. A lot of us are rewarded for our misdeeds, which is why God took your wife. नहीं ऐसे नहीं होता है ऐसा नहीं है. Step aside. Give me your son. ये यहाँ पर डील कर लो बस बात खत्म. तुम परे हट जाओ और बच्चा दे दो उसको. कोई बाप कैसे अपने बच्चा दे सकता है? ये तो है. बाप जो है ना बाप होता है बड़ी चीज है भाई कुछ समझौता नहीं हो सकता नवीद कृष्ण अब तक बहुत सारे लोगों को मार दिया है लेकिन यार वो दिमाग में उसके फैला हुआ है वो लड़का And your son took that from me. So you can either hand over your son or you can die screaming alongside him. John. अरे ये तो इसका दोस्त है मार्कस अरे तो मार्कस है बाबा जबरदस्त जॉन बड़ा ताकतवर है यार फुर्तीला है कैसे मार दिया इसको मारने में बड़ा टाइम लगा दिया इसने चल चल निकल निकल अभी निकल गया यार वो वीगो वही शॉर्टकट ले रहा है ये तो ये बड़ा जबरदस्त हो गया साथ गरम हुआ है बहुत गरम हुआ है नवीद I have your word then if I tell you where he is you let me walk away pull the contract done they know you're coming of course but it won't matter मंसूर अभी एड्रेस बता दिया अभी उस एड्रेस पे जाएगा ये देखो इधर बैठ के मजे कर मजे करो अब तुम लोग इधर उड़ी गए 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 आस्ते आस्ते शुरुआत हो गई अभी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया यार जॉन विक दादा उसकी एक गाड़ी चोरी की उसने पूरी गाड़ियों को तबाह कर दिया एक कुत्ते को मारा सबको मार डाला अरे मार दिया नवीद सुनना ही नहीं है भाई आखिरकार बदला ले लिया अपना ठंडा हो गया अभी ये अपने कुत्ते का अपनी कार का Make the arrangements. क्या करेंगे अब कौन सा बंदोबस्त Let's get on with this. Whatever the this is. Hello, Marcus. You had every chance. And if you have done your job, my son will be still alive. उसको तो फिर भी मरना था बाबू No, my good sir. I go out on my own. ओए होए अपनी मर्जी से मरना चाहता है ये वेल प्लेड ओल्ड फ्रेंड अच्छा खेला बेटा वो उसने अपना साथ दिया जॉन विक का मिस पकिंस आई अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग यू आफ्टर दिस आवर कौन है कौन कॉल कर रहा हूं सू मिस पर्किंस ये वैसे ना पुर्तीली बात वीगो की बे वो है ना बंदी है मिस पर्किंस अरे विंस्टन योर मेंबरशिप टू द कॉन्टिनेंटल हैज बीन बाय थाइन ओन हैंड रिवोक्ड ओ ओए होए होए मिस पर्किंस को भी मार डाला लो भाई वी लिव बाय अ कोड व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट द वन टेलिंग इट वाज अ सर्टेन हेलीकॉप्टर टू अ सर्टेन हेलीपैड और फॉर अ सर्टेन समवन जॉन विक को मालूमात दे रहा है ये मतलब जॉन विक का बंदा ही है वो जो रेस्टोरेंट मिला था उसको क्लब में वीगो निकल रहा है हेलीकॉप्टर में नवीद उससे पहले उसको पकड़ना पड़ेगा मार्कस का बंदा रहता है अभी
God damn, I knew he'd come. ओए होए, सीट बेल्ट पहन ले अब तू गया। हंस रहे देख रहे। That was a good one. Who's got a gun? क्या बात है बे? यार ये जॉन विक है ना नवीद, अंत अंत। अरे विगो भाग रहा है, विगो जॉन बच के। जॉन 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 निकल निकल गाड़ी से, निकल किसी तरीके से, निकल जा। बारिश हुई बाबू, है सही मौके पे बारिश हुई है। बिगो अब क्या करेगा तू? गन्स डॉग, नो मोर बुलेट्स। उड़ी उड़ी हाथ से लड़ेंगे भी। जस्ट यू एंड मी जॉन, यू एंड मी। देखें जरा किस में कितना है दम। ओए होए कर रहे नहीं। ओरे ये तो नफ्सियाती बंदा लगता है मेरे को जॉन विक। ओए होए ये भी उसकी चाल थी। आहा खंजर छीनने वाली चाल, समझ रहे नहीं? खुद को जख्मी कर दिया ना इसने। कितने लोग मारे हैं इसने। We see you, John. Yeah. We see you. ये वही जगह आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। इसकी बेटी बीवी है ना, वीडियो बीवी की है। जल रहा होगा टायर। तू टाके लगा रही है, को अभी और जीना है। फिर से कुत्ता दे रहा है क्या? ये किसका कुत्ता है? Let's go. चलो चलो, दूसरा कुत्ता ले लिया अभी उसने। कुत्ता वो बेगम की इसकी याद थी ना, वो कुत्ता प्यारा भी था, छोटा भी था, लेकिन जॉन विक ने जो गुस्सा दिखाया ना मंसूर इस फिल्म में, बड़ा मतलब गुस्से वाला बंदा लग रहा था। पहले तो उदास था, फिर उसको जब बदला लेके आ गई ना कुत्ते की और उसकी कार की, तो बस वो भड़क गया। उसने बस देखा ना आओ ना देखा ना ताओ। जब इस किस्म की मूवीज आप जब दिखाते हो, कियानो रीव्स की मैट्रिक्स की तरह थी ये भी, इस तरह थोड़ा बहुत मिलती जुलती, मगर यार ये जो मूवी थी ना, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त और फुर्तीली मूवी थी, कसम से मजा ही आ गया उस्ताद। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई इसलिए क्योंकि इसमें जॉन विक की अदाकारी बहुत पसंद आई मुझे, कियानो रीव्स की। और इसमें कहानी जो है ना अच्छी थी और थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, क्योंकि उसमें देखो बेगम उसकी मर जाती है बीवी, और उसके बाद फिर वो उसको कुत्ता तोहफे में देती है जो हेलन होती है, और मतलब वो उसको प्यार करता है, लेकिन वो जब मर जाता है उसके बाद तो उसका जो समझ लो कि दिमाग घूम जाता है, पूरी दुनिया को निष्ठ करने का सोचता है वो। नवीद मैं समझता हूँ कि जो उसकी गाड़ी चोरी हुई थी ना, उसका उसको ज़रा भी दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कुत्ता मारा ना, मैं कहता हूँ कि कुत्ते में उसकी बीवी की यादें थी और वो बीवी से बहुत अपनी मोहब्बत करता था, उसको अगर गाड़ी चाहिए थी तो गाड़ी चुपचाप ले जाता, कुत्ते को नहीं मारता। कुत्ते को मार के उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सज़ा उसको अंत में मिली कि उसको मौत मिली और उसके बाप को भी मौत मिली। हाँ उसी के साथ उसके बहुत सारे लोग भी मारे गए, कितना खून खराब हुआ। हाँ तो मतलब ये सारा कुछ एक कुत्ते की वजह से हुआ है, इसलिए उतार लेता तू जाके। हाँ अपनी मौत को दावत खुद दी तूने, और जाके देख लो अब तूने, तू आखिरी में मर गया। तो बहरहाल ये फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, कियानो रीव्स की जो अदाकारी थी, फाइटिंग थी और फुर्तीलापन था वो मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने इस मूवी को बहुत ज़्यादा लाइक किया।